खबरें खबरें खबरें, वेट बहुत हो चुकी खबरें, कुछ मनोरंजक हो जाए, खबरें ही देखेंगे लेकिन बॉलीवुड स्टाइल में। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज की खास पेशकश खबर बॉलीवुड, जहां हम देखेंगे बॉलीवुड की मनोरंजन जगत से जुड़ी पांच बड़ी खबरें, जहां हम देखेंगे कि सबसे बड़ी खबरें बॉक्स ऑफिस से आ रही है। वही सनी देओल की गदर 2 थिएटर्स में गदर मचा रही है और टिकट खिड़की पर नोट छाप रही है। इस बीच पाकिस्तान ने भी गदर 2 को लेकर रिएक्ट किया। वही अक्षय कुमार की OMG 2 और रजनीकांत की जेलर भी लाइन में शामिल है। साथ ही एक बार फिर टेलीविजन पर दिखने वाली है रामायण। तो वही ड्रीम गर्ल 2 में अनन्या पांडे से रिप्लेस होने पर नुसरत भरूचा ने किया रिएक्ट। तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज की मनोरंजन जगत से जुड़ी बॉलीवुड की पांच बड़ी खबरों पर। सनी देओल जो हैंडपंप उखाड़ रहा है, इससे हम पानी के गैलम भरवाएंगे, गदर 2 पर पाकिस्तान ने किया ऐसा रिएक्ट। सनी देओल और उनकी फिल्म गदर 2 चर्चा में बनी हुई है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हर किसी का ध्यान खींच रहा है। वहीं अब पाकिस्तान ने भी गदर 2 को लेकर रिएक्ट किया, क्योंकि फिल्म में सनी देओल का किरदार यानी तारा सिंह पाकिस्तान जाता है और वहां खूब गदर मचाता है। वहीं गदर 2 में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान में कैद अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है। तारा सिंह पाकिस्तान जाकर गदर मचा देता है और वहां हथौड़े से लोगों की पिटाई करता है। अब फिल्म के इन सीन्स पर पाकिस्तान के लोगों ने रिएक्ट किया है, जिनका एक फनी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लोकल रिपोर्टर लोगों से बात कर रहा है और सनी देओल के एक्शन सीन्स को लेकर उनकी राय पूछ रहा है। इस पर एक शख्स ने डिमांड करते हुए कहा कि सनी देओल को पाकिस्तान बुलाना चाहिए और इसकी ताकत देखने के लिए इससे रोजमर्रा के काम करवाना चाहिए। शख्स ने कहा कि फिल्म में सनी देओल ये जो हैंडपंप उखाड़ रहा है, इसे यहाँ बुलाओ, हम पानी की गैलने इससे भरवाएंगे, आटे और चीनी की बोरियां उठाएंगे और दूध की लाइनों में उन्हें खड़ा करवाएंगे। ड्रीम गर्ल 2 में अनन्या पांडे से रिप्लेस होने पर नुसरत भरूचा ने किया रिएक्ट, कहा इंसान हूँ, तकलीफ तो होती ही है। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। साल 2023 में फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी। इसके साथ ही ड्रीम गर्ल 2 के सीक्वल में स्टार कास्ट में बदलाव की बात सामने आई थी। फिल्म की लीड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को रिप्लेस कर अनन्या पांडे को लिया गया है। नुसरत भरूचा ने ए टाइम्स के साथ बातचीत में ड्रीम गर्ल्स के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट में टीम के साथ काम करके मजा आया था। हालांकि एक्ट्रेस को नहीं पता कि उन्हें पार्ट 2 में क्यों नहीं कास्ट किया गया। नुसरत ने कहा कि केवल ड्रीम गर्ल 2 के मेकर्स ही ये बता सकते हैं कि उन्होंने एक्ट्रेस को क्यों रिप्लेस किया। हालांकि एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि वो एक इंसान है और जब उन्हें ड्रीम गर्ल 2 के लिए नहीं चुना गया तो उन्हें तकलीफ हुई। नुसरत भरूचा ने कहा कि मैं एक इंसान हूँ, इसलिए निश्चित रूप से दुख होता है और निश्चित तौर पर ये इंसानियत इंसाफ लगती है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि वो समझ गई थी कि ये मेकर्स का फैसला होता है कि फिल्म में किसे कास्ट करना है। अक्षय कुमार की OMG 2 ने बॉक्स ऑफिस पर दिखाया दम, 100 करोड़ क्लब में पहुंची नजदीक। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माय गॉड 2 लगातार अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। फिल्म ने शुरुआत से ही अच्छा कलेक्शन किया। वहीं अब बुधवार को OMG 2 ने कलेक्शन में कुछ गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। 11 अगस्त को रिलीज हुई ओ माय गॉड 2 के सामने मुकाबले में गदर 2 टान बनकर खड़ी हुई, क्योंकि दोनों फिल्में साथ में रिलीज हुई है। हालांकि OMG 2 को ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, लेकिन गदर 2 से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। OMG 2 ने थिएटर्स में अब 6 दिनों का सफर पूरा कर लिया है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर नजर डाले तो OMG 2 ने ओपनिंग डे पर 10,26,00,000 के साथ खाता खोला। इसके बाद कलेक्शन में उछाल देखने को मिला। फिल्म ने दूसरे दिन 15 और तीसरे दिन 17 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। इसी के साथ ही OMG 2 ने पहले वीकेंड पर 43,11,00,000 रुपए कमा लिए।
एक बार फिर टेलीविजन पर दिखेगी रामायण, क्या छोड़ पाएगी रामानंद सागर वाला प्रभाव। भगवान श्री राम की कथा को टेलीविजन पर अलग अलग शोज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया है। अलग अलग शोज में श्री राम के जीवन, उनके बेटो लव कुश के बारे में बताया गया और राम की कहानी को दर्शाया गया। हालांकि अब तक कोई भी कहानी वो प्रभाव नहीं छोड़ पाई जो साल 1987 में आई रामानंद सागर की रामायण ने छोड़ा था। अब एक लंबे समय के बाद फिर से टेलीविजन पर श्रीमद् रामायण के जरिए श्री राम की कहानी दुनिया तक पहुंचने वाली है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने हाल ही में अपने नए पौराणिक शो श्रीमद् रामायण की घोषणा की है। ये शो जनवरी 2024 से टेलीविजन पर प्रसारित होगा, जिसका एक झलक मेकर्स ने फैंस के साथ शेयर किया। स्वास्तिक प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इस शो के टीजर में मेकर्स ने राम की नगरी अयोध्या की एक झलक दिखाई है। इसके अलावा इसमें बिना राम के किरदार को रिलीज किए हुए मेकर्स ने भगवान श्री राम की एक छवि दिखाई है। प्रोमो को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा कि संस्कृति का गौरव, संस्कारों का शिखर, भक्ति का महामंत्र, श्री राम की कथा श्रीमद् रामायण जल्द ही आ रहा है। मेकर्स ने शो के साथ ही फैन से यह भी वादा किया है कि वह उन्हें एक प्राचीन आध्यात्मिक युग की तरफ इस शो के जरिए ले जाएंगे। रजनीकांत की जेलर ने दुनिया भर में बजाया कमाई का डंका, गदर 2 और ओएमजी 2 भी हुई फेल। रजनीकांत की सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि हिंदी फिल्मों में भी फैंस ने काफी पसंद किया है। उनके डायलॉग डिलीवरी हो या फिर चश्मा पहनने का उनका खास अंदाज, फैंस उनकी सराहना करते हुए नहीं थकते। 72 साल के रजनीकांत एक बार फिर से फिल्म जेलर के साथ बॉक्स ऑफिस पर भूचाल लेकर आ गए हैं। नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देश में बनी इस तमिल फिल्म को 10 अगस्त को मेकर्स ने पैन इंडिया रिलीज किया गया था। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई अच्छी है। नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देश में बनी इस तमिल फिल्म को 10 अगस्त को मेकर्स ने पैन इंडिया में रिलीज किया था। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बात करें तो अच्छी कमाई के साथ, लेकिन वर्ल्ड वाइड कमाई के मामले में भी साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर ने सनी देओल की गदर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। जेलर ने रिलीज के 7वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की। वहीं बुधवार को इस फिल्म ने तमिल में लगभग 11 करोड़ 45 लाख का सिंगल डे बिजनेस किया और वहां पर फिल्म अब 177 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये थी मनोरंजन जगत से जुड़ी आज की मसालेदार 5 बड़ी खबरें। रोजाना मनोरंजन जगत से जुड़ी ऐसे ही खास और मनोरंजन भरी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एनबीसीएन न्यूज की खास पेशकश बॉलीवुड टॉप 5 मेरे साथ रोजाना सिर्फ और सिर्फ एनबीसीएन न्यूज पर।